हजरत मुआविया भी मुजतहिद थे और बीबी आयशा भी मुजतहिदा थी। और ये हुजूर का फरमान है कि अल मुजतहिद युख्ती व युसीब, कि मुजतहिद से कभी गलती होती है कभी सही फैसला होता है। लेकिन फरमाया कि इन असाबा फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरन, अगर वो सवाब पे पहुंच जाए उसको दोहरा सवाब मिलता है, अगर वो गलती भी हो जाए फिर भी उसको एक सवाब मिलता है एक दर्जा। यानी मुजतहिद खता के बाद भी मुसीब होता है, माजूर होता है, वो नऊज़ु बिल्लाह गुनहगार नहीं होता। बाद सहाबा ने पूछा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि आपकी क्या राय है। आपने फरमाया क्या कहते हो, रब्बुना वाहिदुन व नबीयुना वाहिदुन व दीनुना वाहिदुन व कलिमतुना वाहिदुन, हमारा रब भी एक है, दीन भी एक है, नबी भी एक है, कोई इख्तलाफ नहीं, इत्तेफाक है। मुनाफिकों ने हमें लड़ा दिया है, लेकिन इसका माना ये तो नहीं कि हमें उनके दीन पर कोई शक है। क्योंकि खुदा अपने मुनकर माफ कर देता है, विलायत के मुनकर माफ नहीं करता। दलील देने लगा हूं सरकार खान साहब, खुदा अपने माफ कर देता है, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। खुदा ने कहा इबलीस से कर आदम को सजदा, उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा फख्र लाना तो इला योम दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क्यामत तक के मेरी लानत है, मेरे दरबार से फौरन निकल जा, इसी वक्त निकल जा, बारगाहे परवरदिगार के दरवाजे पे खड़े होकर कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ। अबलीस ने सदा दी, उसने कहा मैंने तुझे इतने सजदे किए, तेरी इतनी नमाजें पढ़ी, तेरी इतनी तस्बीहां की, किसी एक सजदे का अजर, किसी एक नमाज का अजर, किसी एक तस्बीह की कीमत, जिस पर गर्मी का असर नहीं, वह बंदा सर उठाएगा और मेरे साथ बोलेगा, जिसके सीने पर विलायत अली माँ का दूध और पाप का खून बन के रक्स कर रही है, उसकी आंखों में विलायत अली की चमक और चेहरे पे हुब्बे अली की मुस्कुराहट होनी चाहिए। अबलीस ने बारगाहे परवरदिगार के दरवाजे पे खड़े होके कहा एक आदम को सजदा नहीं किया, तुझे तो करता हूं, इसे सजदा नहीं करता, तुझे तो करता हूं। खुदा ने कहा फौरन निकल जा, फौरन मेरे दरबार से निकल जा, मेरे अल्लाह तू गफारुज ज़नूब है, सतारुल अयूब है, गुनाहों को माफ कर देता है, गलतियां बख्श देता है, इसके गुनाह की माफी दे दे, इसकी गलती को बख्श दे, ये तुझे मानता है इसे नहीं मानता, तुझे मानता है इसे नहीं मानता। खुदा ने कहा आज मैं इसे किसी सूरत मैं इसलिए माफ नहीं कर सकता, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर आज इसे माफ कर दिया, कल को बड़े बड़े मुनकर अमाल के टोकरे अपने सरों पे उठा के मेरे दरवाजे पे खड़े होके कहेंगे छोड़ हुज्जत को, हमारी नमाजें देख, हमारे रोजे देख, हमारे हज देख, हमारे तकवे देख, हमारी तस्बीहां देख, हमारा बड़ा होना देख। मैं इसके गले में लानत का तौक डाल के दुनिया को बता रहा हूं मैं अपने माफ कर देता हूं हुज्जत के माफ। मैं मिंबर पे दलील देके जाऊंगा, कुरान से दलील देके जाऊंगा। ये साजिश की है मौलवी ने कि उसने आदम के सजदे का इनकार नहीं किया, सजदे का इनकार कर दिया और खुदा ने निकाल दिया। एक सजदे की वजह से खुदा इतनी बड़ी सजा दे, तू लाखों छोड़ के भी हाजी। सिर्फ जी उसने एक सजदा नहीं किया और खुदा ने उठा के भगा दिया। ना खान जी ना, जुल्म नहीं हम होने देंगे। सजदे के पर्दे में बात कोई और थी, बस वो बात आप तक पहुंचाऊंगा और मैं इजाजत चाहूंगा। सजदे के पीछे कोई बात छुपी, सिर्फ अबलीस ने सजदे का इनकार नहीं किया, इसके पीछे कोई छुपा हुआ राज था। इतनी बड़ी लड़ाई हो गई और आज तक वो लड़ाई चल रही है अल्लाह की और शैतान की। भाई आज तक चल रही है ना, रहमान और शैतान की लड़ाई आज तक चल रही, इतनी लंबी लड़ाई किसी छोटी बात पे नहीं होती। अल्लाह इतना भी बेनियाज नहीं कि आदम के पीछे इतनी बड़ी लड़ाई ले ले। अल्लाह ने आदम की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई नहीं ली। और कुरान से पूछते हैं कि लड़ाई की वजह क्या बनी थी। खुदा ने कहा फाइजा सवैतो व नफक तो फी हिम मिन रूही फाकउल्लाहु साजिदीन। ऐ अबलीस तवज्जो मेरी तरफ करेंगे तो मैं सरकार सुनूंगा, वजह बताऊं लड़ाई की। ऐ अबलीस जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं फाकउल्लाहु साजिदीन तो तुम सारे फरिश्ते सजदा कर देना। कुरान मिंबर पे लेके आओ, खुदा ने कुरान में कहा कि आदम को सजदा ना करना,
ना 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 ना, आदम को सजदा ना करना। हयातुल कुलूम में अलामा मजलसी ने कहा है कि सजदा करवाने से कई हजार साल पहले खुदा आदम को बना चुका था, आदम का पुतला बना के खुदा ने अर्श के चौक में रखा हुआ था। फरिश्ते गुजरते थे लेकिन सजदे का हुक्म नहीं था। इसका मतलब कि सजदा तो आदम को हुआ ही नहीं। अगर सजदा आदम को होना होता तो जब आदम बनाया था उसी वक्त हो जाता। इसका मतलब कि सजदा खान साहब आदम को नहीं, मैं लड़ाई की वजह सुनाने लगा हूं, है ना जहन जी, मैं लड़ाई की वजह सुनाऊ। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, खुदा ने कहा जब मैं आदम है अपनी रूहों को फिर सजदा कर देना। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा रूह को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार रूह का हुआ था। मैं नतीजा नहीं, मैं जिगर निकाल के तुम्हारे हाथ पे रखने लगा हूं, अदल का तराजू तुम्हारे हाथ पे देने लगा हूं। और मैंने पहले जुमला कह दिया था कि तुम्हारे शहर के चेहरे पे कुछ ना हक दाग हैं, कुछ ना हक धब्बे हैं, वो धब्बे मैं मिटाने के लिए आया हूं। ताईद मुझे आपकी चाहिए, वो दाग मैं मिटाना चाहता हूं। इस वीडियो के जरिए से यह मजलिस पूरी दुनिया में देखी जा रही है, कम अज कम पूरी दुनिया में, जहां जहां जिस जिस शहर जिस जिस गली मोहल्ले में बैठा हुआ कोई मोमन इस मजलिस को सुन रहा होगा उसे पता होगा कि सरगोधा में अकीदा पढ़ा भी जाता है, अकीदा सुना भी जाता है, अकीदे पे लोग बोलते भी, अकीदे की ताईद भी करते हैं। तुम्हारे हाथ गवाही के तौर पे विलायत अली के मुकदमे पे दर्ज हो जाएंगे। खुदा ने कहा मैं आदम में अपनी रूह को तब सजदा कर देना। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा उस रूह को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार उस रूह का हुआ था। कुरान मिंबर पे ले गया, मौलवी का गिरेबान मेरे हाथ में दे, मैं कुरान से उसे निकाल के दिखाऊं। पहले कुरान से पूछ ये रूह है क्या। आवाज परवरदिगार है मेरा हबीब, तुझसे पूछेगा ये रूह क्या है, कह देना वकुल रूह मिन अम्र रब्बी, तू फौरन कह देना रूह अल्लाह का अम्र है, रूह अल्लाह काम रहे। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा अल्लाह के आमर को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार अल्लाह के आमर का हुआ था। किस मुंह से अली को नमाज से निकालेगा, वो एक आमर का इनकार करके लानती बन गया, तू पूरे ओलेल आमर का इनकार कर। उसने एक आमर का इनकार, मासूम ने फरमाया नहनु अमरुल्लाह, वो अल्लाह का अमर, हम 14। इसका मतलब कि आदम सिर्फ पुतला था, सजदा उस रूह को हुआ था जो आदम में थी, वो रूह थी अल्लाह का अमर। खुदा ने कहा निकल जा मेरे दरबार से, तू अमर का मुनकर है, तूने अमर से इनकार किया। खुदा ने उसे निकाला और वो दरवाजे पे खड़ा। खुदा ने कहा जा क्यों नहीं रहा, उसने कहा सजदों का अजर। खुदा ने कहा जाया हो गए, या आप थक गए हैं या भाई पीछे चले गए। खुदा ने कहा तेरे सजदे खत्म हो गए। उसने कहा वो जो 50-50 हजार साल का एक सजदा था वो किधर गया। फरमाया एक इनकार सबको ले गया। पचास हजार साल का हयातुल कुलूम अलामा मजलसी ने लिखा, 50,000 साल का ये एक सजदा करता था, 50,000 साल तक सजदे में पड़ा रहता। खुदा ने कहा गए तेरे सजदे खत्म हो गए, तेरे सजदे इसलिए कि तूने आमर का इनकार कर दिया। तवज्जो मेरी तरफ की दी है, मैं छोड़ने लगा। खान साहब से मेरा वादा है, उन्होंने भी आगे हाजिरियों पर जाना है, सिर्फ 2 मिनट और सुन लेना। यही वजह थी 50,000 साल का एक सजदा और खुदा ने निकाल दिया। जी बिस्मिल्लाह, 50,000 साल का सजदा खुदा ने एक लम्हे के लिए निकाल दिया। तू 5 नमाजें पढ़ के अली को भौंक रहा है, उसने 50,000 साल का सजदा किया, इतने लाख साल की इबादत और खुदा ने नहीं देखी। तू 5 नमाजें 15 मिनट की इबादत करके अली को भौंक रहा है कि मैं अली का मुनकर होकर नमाजें पढ़ के अल्लाह के साथ बख्शिश की शफात ले लूंगा। खुदा ने कहा फौरन निकल जा। उसने कहा फिर ठीक है, अगर मेरी और तेरी दुश्मनी इसी वजह से हुई है ना तो फिर ठीक है, फिर मुझे मोहलत देना, मैं मुकाबला करूंगा। खुदा ने कहा मुकाबला क्या करेगा, लोगों को नमाजें छुड़वाएगा, रोजे तोड़वाएगा, हज से निकालेगा, मेरा काबा गिराएगा, मेरा मुकाबला तो कर कैसे सकता है।
उसने कहा मुझे तेरी ताकत का पता, लेकिन मोहलत तू दे दे, फिर मैं एक ही काम करूंगा, मैं सरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, मैं सरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, दुनिया आएगी मैं हटाऊंगा, दुनिया आएगी मैं हटाऊंगा, दुनिया आएगी मैं हटाऊंगा। जिसके चेहरे पे गर्मी का असर नहीं, उसके दिल में विलायत का असर है, उसके दिल में विलायत की हिद्दत गर्मी की शिद्दत को मिटा रही है, वो बंदा अपना सर उठाएगा, आंखें खोलेगा, उसने कहा मैं सरात मुस्तकीम पे बैठूंगा, दुनिया आएगी मैं हटाऊंगा, दुनिया आएगी मैं हटाऊंगा। इसका मतलब शैतान ने अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, अबलीस ने बता दिया मैं बंदों को नमाज से नहीं रोकूंगा, बंदों को रोजों से नहीं रोकूंगा, बंदों को हज से नहीं रोकूंगा, मैं सिर्फ सरात मुस्तकीम से रोकूंगा, मैं सिर्फ सरात मुस्तकीम से रोकूंगा। जगह तू रख ले, वक्त तू रख ले, टाइम तेरी मर्जी का होगा, जगह तेरी मर्जी होगी। हुसैन का ये नौकर, हुसैन का ये मातमी, हुसैन का ये अदादार आने के लिए तैयार है। किताबें तू अपनी मर्जी की बिठा लेना, किताबों से मैं साबित करूंगा। तू मुझे सिर्फ इतना बता, ये सरात मुस्तकीम है क्या, ये सरात मुस्तकीम चीज क्या है, ये सरात मुस्तकीम कहते किसे हैं, ये सरात मुस्तकीम अगर नमाज है फिर नमाज में इहदिन सरात मुस्तकीम क्यों कहते हो, ये सरात मुस्तकीम रोजा नहीं, ये सरात मुस्तकीम जकात नहीं, ये सरात मुस्तकीम हज नहीं। मुल्ला अली मुत्की कार्य अहले सुन्नत तक बंदा लिख गया कनजुल इमाल के सफा नंबर 258 के मदीने की मस्जिद में, एक बंदे ने आके नबी से पूछा या रसूल अल्लाह मा हाजा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम के अभी नबी ने बोले थे या मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया, रसूल ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को अली की जाना बढ़ाया, बढ़ा गया हाजा अली और सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है। सरगोधा पंजाब का पूरा पंडाल, हमें इबलीस के प्रोग्राम का पता चल गया, ये बंदों को लाइला से नहीं रोकता, ये अली वलीउल्लाह से।